और आगे बढ़ते हैं। करीब 3 सालों के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई की जाएगी। आपको यह भी जानकारी दें कि इससे पहले साल 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। तब अदालत ने इस मामले को बड़ी संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर नहीं किया था। Even 77th Amendment and 103rd Amendment brought into Jammu and Kashmir. उसी वक्त हमने कहा था कि this is in gross violation of the Article 370 and 35A. और आज हमारी Learned Council मैंने कहा गुरु स्वामी जी ने Supreme Court of India के bench के सामने में हमारी जो writ petition थी वो उन्होंने वहाँ पे दिखाई और उसको admit किया गया और उसकी एक copy उधर ही उन्होंने Solicitor General को कहने को दे दी और वो दे दी गई है। So अब The case is on, the game is on, and 2 अगस्त से आपको रोज अब सुनना है, जिस पर हम 4 साल से लड़ रहे हैं वो आज पहला जबरदस्त विक्ट्री आज हुआ है इस केस में कि अब इसकी सुनवाई होगी और ऑन अ डेली बेसिस एक्सेप्टिंग 2 डेज इन अ वीक जब ये कोर्ट ने नहीं उस दिन नहीं सुनेंगे। वो सियासत में भी उनका एक अपना ही रोल रहा, 2 बार पार्लियामेंट जा चुकी हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की उन्होंने वहां भी नुमाइंदगी की, सारा कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, रेड क्रॉस, मिस्कीन बाग, बहुत कुछ चीजें उनके साथ बैठ के लंच डिनर खाना और बहुत आहिस्ता खाया करती थी और हमेशा हम उनके साथ मजाक किया करते थे, खासकर लंच टाइम पे कि दादी जी आप खाते रहिए, शाम के चाय तक आप यहीं पे होंगे, हम वापस आ जाएंगे तो चाय आपके साथ पी लेंगे, आप तब तक अपना खाना खाते रहेंगे। हमेशा मतलब चाहे लंच हो डिनर हो बहुत आहिस्ता खाया करती थी। Well, we've filed an intervention application in the Jammu and Kashmir matter on behalf of a colleague from the Northeast. Today there was a procedural hearing where the constitution bench laid down the modalities as to how the matter is going to be adjudicated. And so therefore they would start on the 2nd of August. And the union very fairly conceded that the additional affidavit that they have filed would not be considered or may not be taken into cognizance insofar as the adjudication of the constitutionality of the matter is concerned. Well, let the law take its own course. Now that a charge sheet has been filed, it obviously has to be judicially adjudicated. So therefore, let the law take its own course.